कैमरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो फर्स्ट फर्स्ट वी गोइंग थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स ऑन जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके, और बड़े बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम पे, ठीक है। तो इसमें पहले हम देखते हैं, पकड़ लो हम, अगर एक टॉपिक होता है कि आवाज, एक टॉपिक होता है अर्थ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना, अर्थ। ये तो सबको पता है कि अर्थ एक प्लेनेट है ना। और अर्थ में दो चीज देखने को मिल रहे हैं हमको, एंटायर अर्थ में, अगर अर्थ की सरफेस की बात करें तो दो चीज देखने को मिल रहा है, एक लैंड और दूसरा वाटर, है ना, लैंड एंड वाटर। एंटायर लैंड जो है उसको कितने कॉन्टिनेंट पे डिवाइड किया गया है? टोटल कॉन्टिनेंट कितना है? एनीवन? हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओके, एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस हाँ जी, सर। रेस्पॉन्स। तो कॉन्टिनेंट कितने हैं? अब ये मत बोलो कि सर भूल गए। सही में फाइव नहीं फाइव पता है? 5 कॉन्टिनेंट्स? अरे नहीं, क्या बात कर रहा है, हम तो ये सब डिस्कस करने वाला ही नहीं। सेवन सर, सेवन। कॉन्टिनेंट एक्सैक्टली, देर आर 7 कॉन्टिनेंट। और ओशन कितने हैं? फाइव, एग्जैक्ट। तो ओशन टोटल लैंड को हमने कुछ महादेश महादेश बोल रहे हैं, 7 कंटिनेंट्स। और वो कंटिनेंट्स कौन कौन से है, नाम लिख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। माय राइट, सात हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये महादेश या फिर हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट, हम लोग कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, एशिया में रहते हैं, है ना। तो ये हो गया अर्थ का ऊपरी वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो जगह मिल रहा है हमको, लैंड जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। और दूसरा जो चीज है वो है पानी, वाटर। ओशन का नाम बताओ। हाँ।
specific बोलो बोलो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। वेरी गुड, चलो पांचों नाम चाहिए मुझे। तो पैसिफिक ओशियन हो गया, उसके बाद अटलांटिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, दो तीन चार और कौन सा बच गया, साउथ ऑन। ठीक है, तो ये पांच सात कॉन्टिनेंट और पांच ओशियन, ये हमारा अर्थ का एंटायर सरफेस एरिया कवर किया हुआ है। और अगर हम देखें, पकड़ लो ये अगर ग्लोब है, ये अर्थ ऐसा है ना, अर्थ पकड़ लो ऐसा है, तो इसको मैं काट के अगर फ्लैट कर दूं, फ्लैट कर दूं, तो दो हिस्से दिखेंगे, है ना। एक काम करता हूँ, कैसे इसको काट के अगर अलग कर दे, तो हम लोगों को देखेगा इस टाइप से। पकड़ लो यहाँ से अगर शुरू करूँ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे कुछ मैं मैप एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। इस टाइप से होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे यहाँ पे कुछ इस ढंग से आपको दिखेगा, वो हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका, है ना। और साउथ अमेरिका के बगल में जो कॉन्टिनेंट होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अफ्रीका, और अफ्रीका के ऊपर से यहाँ से शुरू करके कुछ बड़ा सा हिस्सा लैंड का लगा हुआ है, सटा हुआ है, जिसके नीचे इंडिया भी आता है, और इस टाइप से चाइना वगैरह मिलके यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपके यूरोप, यूरोप, तो ये एंटायर हो गया सबसे बड़ा अपना एशिया, है ना। और यहाँ पे समुद्र में कहीं मिलेगा मुझको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। Am I correct? नीचे अगर आप देखते हो तो ये तो गोल है, तो नीचे होगा तो इधर ऊपर दिखेगा, है ना, इधर ऊपर दिखेगा, तो ये क्या है, ये हो गया अपना एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका क्लियर? ओशन को देखते हैं, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के साइड से शुरू, अच्छा तो माइक को म्यूट कर, वीडियो ऑफ कर लीजिए, है ना।
स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा मुझको, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका और एशिया के साइड पे कनेक्टेड है स्पेसिफिक, पूरा का पूरा स्पेसिफिक एशिया के अंदर में आ रहा है। यहाँ पे होगा अपना इंडिया है ना, यहाँ पे होगा इंडिया, और इंडिया के नीचे अपना इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन और अंटार्कटिका के बीच में यहाँ पे इसको बोलते हैं साउथर्न ओशन, साउथर्न ओशन। यूरोप अमेरिका और अफ्रीका यहाँ पे होगा अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, ठीक है। और एंटार्क्टिका साइड जो है उसको बोला जाता है आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन कौन सा, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन। ओके सो पैसिफिक ओशन इज द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, गुड। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक। तो ये जो लैंड और समुंदर है ना, पानी, ये अपना पूरा का पूरा एंटायर अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया ऊपर का। अगर हम अर्थ के अंदर का देखते हैं, अर्थ के अंदर अगर हम झांकते हैं, तो अर्थ को ना अंदर तरफ कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। साइंटिफिकली हमने क्या किया है, अर्थ के अलग अलग लेयर्स का कुछ नाम दिया हुआ है। कोई बताएगा जो सेंटर का लेयर है, एकदम बीच वाला लेयर, उस लेयर को क्या बोलते हैं, अर्थ के सेंटर को क्या बोला जाता है, कोर। अर्थ के सेंटर को बोलते हैं हम लोग कोर। और सेंटर से बाहर तरफ जो ये पूरा हिस्सा है ना, इस हिस्से को क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं एनीवन, मेंटल मेंटल, इसको हम बोलते हैं मेंटल, मेंटल। और जो ऊपर वाला सरफेस का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये हो गया अर्थ क्रस्ट। सो ये अर्थ क्रस्ट क्या है, सबसे ठंडा आप बोल सकते हो कि अर्थ का सरफेस जो है वो ठंडा हो चुका है, और इसको हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। जो इनसाइड वाला कोर है काफी गर्म है, हॉट हॉट मेटल्स का बना हुआ है, एंड इट इज द हॉटेस्ट लेयर, कोर इज द हॉटेस्ट लेयर है ना। और उसके ऊपर कोर और क्रस्ट के बीच पे क्या है, मेंटल है। सो
तो मेंटल जो है वो गरम पत्थरों का बना हुआ है, तो ये हो गया उसके अंदर वाला हिस्सा, है ना। व्हाट इज द, अब कुछ सब क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर प्लीज। व्हाट इज द स्पिनिंग ऑफ आर कॉल्ड, योर ऑप्शन इज एक्सिस, ऑप्शन बी रोटेशन, ऑप्शन सी रिवॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑर्बिट। Anyone? Priyanka, Sumit, Mr. Bhakti, rotation. Okay, good. So, spinning on its own axis is rotation. Okay. And movement of earth around the sun is called revolution. Revolution. The path that follow by any planet is called orbit, है ना? और जो जिस एक्सिस के क्रॉस वो अलोंग वो घूमता है अराउंड, उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? ये जो इतने सारे लैंड हमको दिखते हैं ना, वो लैंड लैंड का जो टाइप होता है, अलग अलग लैंड का अलग अलग नाम देते हैं, है ना। हम लोगों को पता है कुछ कुछ नाम, उसमें से कुछ सवाल आते हैं जैसे द प्लेस और लैंड हम लैंड द लैंड दैट इज हाई एंड फ्लैट is called mountain number B, hills number C, plateau sir, C plateau number D desert plateau. There it is,
प्लेटो। तो जो लैंड हमको दिखता है वो लैंड क्या क्या टाइप का लैंड दिखता है? या तो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, वैलीज होते हैं ना, वैलीज, प्लेटू, कुछ लैंड्स का नया दिखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। लाइकवाइज हम बोल सकते हैं कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिल्स, पर्वत जिसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं माउंटेन्स। और जो लो एरिया होता है दो हिल के बीच पे या माउंटेन्स के बीच पे, उसको क्या बोलते हैं? मतलब ये पहाड़ हो गया, इधर भी पहाड़ हो गया, है ना, और ये जो लो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? लो लैंड को क्या बोलते हैं? हाँ भाई, आइलैंड बोलोगे, डेजर्ट बोलोगे, प्लेटू बोलोगे, टेबल लैंड बोलोगे, क्या बोलेंगे? वैली बोलेंगे, बोलो। टेबल लैंड या फिर प्लेटू, या फिर वैली। हाँ मेली तो जो लो लैंड एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच पे, जैसे हम लोग क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली में है, हाँ, असम का और एक पार्ट क्या है, बराक वैली है। तो बराक नदी के किनारे जो फंसा हुआ लो लैंड है और चारों तरफ क्या है हमारे पहाड़ है, तो इसको बोला जाता है वैली, है ना। तो या तो लैंड जो है वो प्लेन होगा या फिर कुछ ऊंचे माउंटेन्स होंगे, हिल्स होंगे, वैलीज होंगे, है ना। तो जहां पे बड़ा सा एरिया होता है जो पूरा प्लेन है उसको तो प्लेन बोल रहे हैं, लेकिन अगर पहाड़ है चारों तरफ और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम बोल रहे हैं वैली, और पहाड़ों के ऊपर जो फ्लैट एरिया है उसको क्या बोला जाता है? फ्लैट टॉप। इसको टेबल लैंड, टेबल टॉप भी बोला जाता है, टेबल लैंड बोला जाता है, या फिर प्लेटू बोलते हैं हम। तो प्लेटू, प्लेटू और प्लेटू अभी क्लास नहीं। चलो थोड़ा टाइम मिलेगा। तो भाई प्लेटू क्या है? प्लेटू हो गया जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का ऊपर अगर फ्लैट लैंड दिख रहा है, फ्लैट टॉप है, इसको टेबल टॉप बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं, है ना। और नीचे वाला जो पहाड़ी के नीचे जो हिस्सा है, फ्लैट लो लैंड एरिया है, उस लो लैंड को हम बोलते हैं वैली। हो गया। डेजर्ट सबको पता है, जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे पानी कम होता है, तो रेत ही रेत, सैंड एरिया, इसको डेजर्ट बोलते हैं। जंगल को फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये सारी बातें पता है ऑलरेडी तुम्हें, है ना। अच्छा, ए बुक ऑफ स्मॉल मैप इज कॉल्ड, बोलो। क्या बोलते हैं?
लास्ट एट लास्ट, तो इसको बोला जाता है एट लास्ट। तो मैप क्या है? मैप का मतलब होता है कि हम नक्शा बना रहे हैं, नक्शा और मैप है ना। तो मैप हो गया कि एक एरिया का अगर हम लोग कुछ ड्राइंग्स बना के जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पूरा एक एरिया है नेचर का, आर्ट का, उसको हम जब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई ये जगह ऐसा है, उसको हम लोग मैप बोल रहे हैं, नक्शा बोल रहे हैं ना। और जो किताब में हम लोग सारे मैप्स को रखते हैं उसको हम बोलते हैं एटलास। पकड़ लो अपना इंडिया, इंडिया का मैप हम अगर बनाते हैं अच्छे से बनाने को आएगा नहीं, देखने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग अपने इंडिया इसका अपना इंडिया मैप दिखता है। ये जो एरिया है ऊपर तरफ, पूरा का पूरा ऊपर क्या है, यहाँ पे हिमालय है ना, यहाँ पे है अपना हिमालय। ये पूरा का पूरा हिमालय है, और हिमालय के जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा अगर पार्ट आप देखते हो, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन। नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू, इस जगह पे जो माउंटेन रेंज है, कोई बताएगा उसका नाम क्या है? डेक्कन प्लेटू के, और आपका जो अरेबियन सी है इस साइड में, अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी, अरेबियन सी और डेक्कन प्लेटू, और जो बॉर्डर एरिया है
उसको क्या बोला जाता है, क्या नाम है इसका? नॉर्दर्न प्लेन हो गया ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है वो हो गया अपना साउथर्न प्लेटू, या फिर इसको डेक्कन प्लेटू कहते हैं हम लोग। डेक्कन वेस्टर्न प्लेटू घाट, का जो, हाँ, वेस्टर्न घाट नहीं सर, वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न जो इस, ये यहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ ही है, ठीक है। और इसको सेव करके रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। एंड इस साइड में जो है तो क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न यहाँ पे हो गया आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या नाम है डेजर्ट का? थार। और डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड में, अर्थ में कहाँ पे है, कौन सा है? क्या नाम है डेजर्ट का? सहारा सहारा, डेजर्ट, बिगेस्ट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट, है ना। सो डेकन प्लेटू, और डेकन प्लेटू को क्या बोल सकते हैं, साउथर्न प्लेटू भी बोलते हैं, साउथ साउथ जिसको हम साउथ इंडिया बोलते हैं, साउथर्न प्लेटू। साउथर्न प्लेटू और डेकन प्लेटू, एंड इट इज सराउंडेड बाय, इन द वेस्ट साइड इट इज वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड इट इज ईस्टर्न घाट, है ना। अच्छा, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, साउथर्न पार्ट, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो पेनिनसुला, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला किसको बोलते हैं? বাটারি মানে সেরাউন্ড হয়ে থাকে আর মাজত এইটো কি বলে ল্যান্ড ল্যান্ডটো থাকে। এটা ল্যান্ড যার চাৰিওফালে আর ওয়াটার, ইফালে ওয়াটার থাকে, বাট যার মেইন ল্যান্ড লগত এইটো কানেক্ট হয়ে থাকে এটা সাইডত। যার এটা ল্যান্ড যার চাৰিওফালে ওয়াটার বডিজ, তাক কি বুলি কয়? ল্যান্ড, ল্যান্ড মাস সারাউন্ডেড বাই ওয়াটার ফ্রম অল অ্যারাউন্ড, ইট ইজ কল্ড, আইল্যান্ড আইল্যান্ড yes, exactly, this is called island, and a land of mass surrounded whose three sides are surrounded by water, three sides are surrounded by water, this is called peninsula, peninsula, বুঝি পালা?
तो इंडिया का अगर हम नीचे तरफ देखे तो यहाँ से बॉर्डर क्या हो जाता है, बॉर्डर जो है वो वाटर बॉडी है। लेफ्ट साइड में, वेस्ट साइड में कौन सा सागर है? कुछ सी अरबियन अरबियन सी। ईस्ट साइड में कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल है ना। अच्छा, लैंड मास हुज थ्री साइड्स आर सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। कैन यू टेल मी द वाटर बॉडी, हुज थ्री साइड्स आर सराउंडेड बाय लैंड मास इज कॉल्ड। लेक लेक, लेक तो होता सारी फले देखो ना, लेक इज ए बिग पॉन्ड। उस फोर साइड से कवर्ड बाय लैंड। ये वाटर बॉडी, बिग वाटर बॉडी हुज थ्री साइड से सराउंडेड बाय लैंड। बोलो लैंड। पेनिनसुला हाउस है। पेनिनसुला तो इक्वल ए लैंड मास हुज थ्री साइड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। द वाटर बॉडी हुज थ्री साइड्स आर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड बे। वी आर सेइंग बे ऑफ बंगाल। गॉट इट? यस इसमें सर, क्या है, एक साइड में इधर इंडिया, इंडिया का लैंडमार्क आया, उसके बाद बंगाल से लगा बांग्लादेश है ना, उसके बाद इस साइड में क्या है, म्यांमार है, तो दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। समझ में आया? बे बोलते हैं तो पेनिनसुला समझ गए, बे समझ गए, है ना भाई? साउथ इंडियन रिवर, जो डेक्कन प्लेटू की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तेरा अपना डेक्कन प्लेटू, सो डेक्कन प्लेटू का रिवर्स बताओ, साउथ इंडियन रिवर्स। डेक्कन प्लेटू, यमुना, रिवर्स ताप्ती यमुना महा, डेक्कन, ताप्ती यमुना महानदी, कावेरी कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा। यस कावेरी एग्जैक्टली, सो गोदावरी, कृष्णा कावेरी गोदावरी
মহানদী? নর্মদা। নর্মদা। নর্মদা কহাঁ পর পড়তা হ্যায়? काम करता हूँ, मैप निकालता हूँ। দেখো, चलो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा से मेहनत करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा साफ। तो यहाँ पर देखो, रिवर्स अगर हम इसी से देख लेते हैं, यहाँ पे उसके ऊपर लिखेंगे कैसे?
এইটো ক্লিয়ার মিটিং আছে সরি। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये रहा मेरा गोदावरी। गोदावरी यहाँ से शुरू होकर इस तरीके से आ रहा है ना? और महानदी, ये रहा महानदी, महानदी उड़ीसा की तरफ जा रहा है। और क्या है, कृष्णा, तुंगभद्रा। ये कृष्णा है ना, कृष्णा रिवर। और इम्पोर्टेंट रिवर क्या था, नर्मदा, ये रहा तुम्हारा नर्मदा, सुपर देवी नर्मदा, ये नर्मदा हो गया। और नेक्स्ट एक काम करता हूँ, अच्छा मैप करता हूँ, उसके बाद बढ़िया से करेंगे इसको, मैप्स को देखेंगे, करना पड़ेगा। अच्छा, पेनिनसुला रिवर जो होते हैं और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के रिवर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? जो नॉर्दर्न प्लेन्स के रिवर्स होते हैं है ना, और जो पेनिनसुला रिवर्स है, पेनिनसुला रिवर्स बोलने से साउथ इंडियन रिवर्स जो होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस नजर आता है? पेनिनसुला रिवर्स जो होते हैं ना, ये लोग सीजनल होते हैं, पेनिनसुला रिवर्स सीजनल होते हैं है ना, बारिश नहीं हुआ तो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्दर्न जो रिवर्स होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे हिमालय के ग्लेशियर से आ रहे हैं है ना। तो ग्लेशियर से जो रिवर आते हैं, जैसे अपना गंगा हो गया, यमुना हो गया है ना, ब्रह्मपुत्र हो गया, इधर से आ रहा है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से तो ब्रह्मपुत्र हो गया, तो ये सारे रिवर्स जो है इनमें हमेशा पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। बट जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेन। अगर अगर रेनफॉल कम हुआ तो ये ड्राई हो जाते हैं है ना। बोलो भाई, तो रिवर्स को हमको देखना पड़ेगा एक बार फिर से, देखेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में रिवर्स का एक अच्छा मैप के सारे रिवर्स के एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दिस इज तापी, तापी ये होगा नर्मदा, नर्मदा चलो ठीक है, टाइम क्या हो गया, 7:30, से बाद में करेंगे। ठीक है, अभी छोड़ते हैं, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं निकाल के करता हूँ। ओके, आज के लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पे, नहीं मिल जाएंगे। ओके एवरीवन, कल करेंगे। अंशुमित, यस सर, ओके ठीक है सर, ठीक है, अभी तो पीएम सर का क्लास नहीं होगा, ठीक है, 8 बजे का क्लास वो कर लेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करेगा। ओके प्रियंका, एवरीवन, यस सर, चलो आज के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ इसको, मैं निकाल के आप लोगों को दूंगा कल। ओके बाय बाय, सर आते होने क्लास, मालूम ठीक ठीक है सर। बढ़िया से।
ঠিক আছে, ওকে স্যার। বাই বাই।